व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल या फिर आप वॉइस कॉल किसी को करते हैं और वहां पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कॉल कनेक्टिंग की, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है, बस कॉल कनेक्टिंग दिखा रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं जिससे कि आपकी वॉइस कॉल या वीडियो कॉल इजीली हो सके। तो सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो दूसरी बात, अगर आप हमारी इस वीडियो पे और चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर रोज आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस, इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत छोटी सी वीडियो है और 101% गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है इसी वीडियो में सोल्व करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो जांचना है, सही तरीके से आपका नेट चल रहा है नहीं। उसके बाद आपको जो अपना मोबाइल है वो फ्लाइट मोड पे एक बार लगा लेना है, ठीक है, और वापस में हटा देना है। ऐसा करने से जो आपका नेट की स्पीड है थोड़ा जो है फास्ट हो जाएगी, ठीक है, तेज हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझो, आपको करना क्या है, आपको अपनी व्हाट्सएप पे एक सेकंड के लिए दबा के रखना है, और अब यहाँ पे आपको ऐप इन्फॉर्मेशन या फिर एक आई बटन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज यूजेज, इस पर आपको क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पे आपको क्लियर कैच कर देना है। ध्यान रहे यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो व्हाट्सएप है वो लॉग आउट हो जाएगी, आपको फिर से बनानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। यहाँ से बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है डाटा यूजेज। डाटा यूजेज पे आप आएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको अनेबल रखना है, मतलब चालू रखना है। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे गाइज आपको एक चीज और देखने को है, ठीक है, क्या है, फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फोर्स स्टॉप करने से कुछ भी नुकसान आपको नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं फोर्स स्टॉप कर देता हूँ। उसके बाद आपको बिल्कुल बाहर निकलना है, और लास्ट मास्टर ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है वीडियो को, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सअप लिख के सर्च करना है। व्हाट्सअप आप सर्च करेंगे तो आपको देख लेना है, अगर आपके WhatsApp में अपडेट आ रखा होगा तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके WhatsApp में अपडेट है इसलिए हो रही हो, ठीक है, तो आपको अपडेट कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इसे अपडेट करेंगे अगर अपडेट आ रखा होगा, तो चलिए यहाँ पे मैं इसे अपडेट होने देता हूँ, ठीक है। तो अपडेट हो गई है मेरी WhatsApp, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पे सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बार अपना मोबाइल आप रिस्टार्ट कर लेंगे, और रिस्टार्ट करने के बाद आप जैसे वॉइस कॉल या वीडियो कॉल जोन सी भी आप कर रहे हैं, आपकी इजीली वॉइस कॉल या वीडियो कॉल हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी।